हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑन माय चैनल फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है स्पेशली उनके लिए जो नियर फ्यूचर में नैदरलैंड आने वाले हैं सो डोंट मिस दिस वीडियो इफ़ यू आर रिल इक्वेटिंग टू नैदरलैंड इन नियर फ्यूचर फ्रेंड्स दिस इज़ अ सीरीज इन विच आई विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू विल नीड वैन यू कम टू नैदरलैंड लाइक हाउ टू रेंट हाउस हेयर how to buy important insurances how to register to your doctor and how to save your money and everything i will be covering each and every topic in detail so that you enjoy your travel and stay in netherlands friends the first thing that comes to our mind when we are moving to another country is what to pack in our bags क्या हमें ये खाने का सामान न्यू कंट्री में मिलेगा कि नहीं ये नहीं मिला तो क्या होगा वो नहीं मिला तो क्या होगा क्या रख लूँ और मेरा फेवरेट सामान नहीं मिला तो क्या होगा सो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन हेयर सो दैट आप वो गलती ना करें जो हम लोगों ने की थी जो सामान यहाँ पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है वो बहुत सारा भर के ले आए और जो चीज़ यहाँ पर बहुत कॉस्टली है या नहीं मिलती है उसे हम लाना भूल गए सो स्टे ट्यून गाइज टू नो मोर इस वीडियो में मैं सिर्फ इजेंशियल मैंडेटरी आइटम्स बता रही हूँ जो जिनके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कुछ ऐसी ऑप्शनल चीजें भी हैं जो आपका आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है अगर आप लाना चाहें और अगर आपके पास बैग्स में स्पेस है तो आप उन्हें ला सकते हैं सो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड ब्रिंग आर योर डॉक्यूमेंट्स यस फ्रेंड्स आप अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स तो लाएंगे ही जिसमें आपका एयर टिकट्स आपके पासपोर्ट्स वगैरह रहते हैं पर इसके साथ आपको एक और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाना है जिसमें होंगे आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने रिज्यूमे की फ़ोटो लेकर आइए फ्रेंड्स अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पर भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अंडर फ्यूज कंडीशन काम कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने रिज्यूमे की फ़ोटो कापीज़ लेकर आएँ और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इसके साथ आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट इसमें रखेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने चाइल्ड का वैक्सीनेशन कार्ड या उसके इस्कूल की डिटेल्स लेकर आएंगे और आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूर कैरी करिए बिकॉज़ आप उसे यहाँ पर डच ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं इसके साथ ही आई वुड रिकमेंड कि आप एक फ़ोन बुक भी अपने इस डॉक्यूमेंट्स में रखें जिसमें आप अपने इम्पॉर्टेंट नंबर इंडिया के और यहाँ नेदरलैंड्स में जो आपका कॉन्टैक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट नंबर्स रखें फ्रेंड्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है किचन आइटम्स की किचन आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया सो फ्रेंड्स किचन आइटम्स में आपको ज़रूर से लेकर आना है चकला बेलन चिमटा टी स्ट्रेनर प्रेशर कुकर विद एक्स्ट्रा गैस्केट और प्रेशर कुकर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप के मिलते हैं तो बेटर है आप लेकर आएँ और अगर इंडिया वाला मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सो इट्स बेटर टू कैरी नेक्स्ट इज़ कढ़ाई कढ़ाई बिल्कुल ऑप्शनल है कोई ज़रूरत नहीं है लाने की यहाँ पर जो पैंस मिलते हैं उसे आप एस कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं सेम विद रोटी तवा जो यहाँ पर पैंस मिलते हैं उन्हें आप एज रोटी तवा यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रेंड्स डोसा लवर हैं और अगर आप डोसे के लिए कोई स्पेशल तवा लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं सेम विद uh, इडली स्टैंड एंड अपे स्टैंड अगर आप इडली अपे लवर हैं तो आप इनके स्टैंड्स ला सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ मिक्सी ग्राइंडर जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं पर बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिक्सर ग्राइंडर्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स अगर आप कोई भी यूटेंसिल्स लेकर आ रहे हैं जैसे कि प्रेशर कुकर है पैन है और तवा है तो मैं आपको सजेस्ट uh, करूँगी कि आप ये सारे फ्लैट बेस वाले ही लेकर आएँ बिकॉज यहाँ नदरलैंड में तीन तरीके के गैस स्टोव्स हैं एक तो हमारा इंडिया वाला और दूसरा होता है यहाँ पर हॉट प्लेट्स और तीसरा है इंडक्शन और ज़्यादातर घरों में अब ये हॉट प्लेट्स या इंडक्शन ही अवेलेबल हैं तो आप उसके लिए फ़्लैट बेस वाले बर्तन चाहिए होंगे जो कि तीनों तरीके के गैस स्टोव्स पे इजली काम करते हैं फ्रेंड्स अगर आप बहुत ही छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और सिरामिक और ग्लास प्लेट्स वगैरह के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक सेट स्टील की प्लेट बोल और ग्लास लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पाइसेस सो फ्रेंड नो नीड टू गेट द स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया यहाँ पे सारे मसाले सारे स्पाइसेस बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं चाहे वो खड़े मसाले हों चाहे पाउडर्ड मसाले हों फ्रेंड्स मैं कह सकती हूँ जो पाउडर्ड मसाले हैं उनका टेस्ट इंडिया से स्लाइटली डिफरेंट है बट बट दे आर ओके और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं एंड नो नीड टू गेट द दाल चावल आटा एसेट्रा ये सब यहाँ पर भर भर के अवेलेबल है गाइस तो बिल्कुल भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास स्पेस है तो थोड़े बहुत आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं जो यहाँ पर एक्सपेंसिव है और इसके अलावा अचार पापड़ च्यवनप्राश ये सब गाइस यहाँ भर भर के अवेलेबल है नो नीड टू ब्रिंग देम हाँ ये हो सकता है फ्रेंड्स कि लाइक जैसे कि आपको एवरेस्ट का सांर मसाला पसंद है और यहाँ पर आपको एम का मिल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्रांड का ऊपर नीचे हो जाए कि ये ब्रांड में अवेलेबल नहीं है उस ब्रांड में है बट यहाँ पे ये सारे स्पाइस सारी दालें सारी इंडियन सामान इस टाइप का सब कुछ बहुत ही रेडली अवेलेबल है सो नो नीड टू ब्रिंग दैम फ्रेंड्स यहाँ नदरलैंड में अकॉर्डिंग टू डच सिस्टम वी नीड टू रजिस्टर टू आर जी एंड जब आप यहाँ आते हैं तो इस चीज़ में अपना जीपी से अपना रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ दिन से कुछ वीक्स तक लग सकते हैं सो आई वुड एडवाइस यू कि आप कुछ बेसिक मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लेकर कर आएँ जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार की और अगर आप स्पेशली ठंडी विंटर के मंथ्स में आ रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर टू फेब तो हो सकता है यहाँ पर स्पेशली अगर आप विंटर मंथ्स में आ रहे हैं अक्टूबर टू फेब जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप ये बेसिक मेडिसिन ज़रूर साथ में लेकर आएँ नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स आपके जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो मल्टी वाइटामस मिनरल्स वो यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली हैं तो अगर आप ऐसे कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इनिशियल डेज़ के लिए आप उसे भी साथ लेकर आएँ अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों की भी बेसिक मेडिसिन ज़रूर से लेकर आएँ बच्चों के कोल्ड कफ़ फीवर की मेडिसिन ज़रूर से लेकर आएँ थर्मोमीटर ज़रूर लेकर आएँ और फ्रेंड्स जो बच्चों के जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बच्चों का शैम्पू बच्चों का बॉडी वॉश एक्सेट्रा ये यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं तो अगर आप चाहें तो इनिशियल डेज़ के लिए आप इंडिया से लेकर आ सकते हैं नेक्स्ट है टॉयलेट्रीज़ तो आप अगर चाहें तो इन दम इनिशियल डेज़ के लिए आप छोटे छोटे पैकेट्स ला सकते हैं सोप शैम्पू वग़ैरह फ्रेंड्स अगर आप ग्लासेस या लेंस यूज करते हैं तो उसे भी आप एक्स्ट्रा पेयर ला सकते हैं यहाँ पर ये सब यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है कपड़ों की बात करें गाइस तो आप अपने जो बेसिक क्लोथ्स हैं वो ज़रूर लेकर आएँ फॉर द इनिशियल थ्री फोर मंथ्स बिकॉज आपको तीन चार महीने लग जाएंगे अपने टेस्ट और अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉप ढूंढने में तो अपने इनिशियल क्लोथ्स लेकर आएँ अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो अपने थर्मल्स जरूर लाएं गाइस बिकॉज यहाँ पर अच्छे थर्मल्स नहीं मिलते हैं और आपको उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी थर्मल्स में आप अपर और लोअर दोनों लेकर आएँ साथ में आप अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स लाएँ और अच्छी क्वालिटी के जैकेट्स लाएँ और आप यहाँ पर भी ये सब खरीद सकते हैं स्वेटर्स जैकेट्स अगर अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो ये गुड क्वालिटी के आप साथ में भी जरूर लेकर आएँ बच्चों के साथ फ्रेंड्स आप आ रहे हैं तो आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थर्मल्स ज़रूर लेकर आएँ उनके अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स लेकर आएँ बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है आ, उनके कैप्स और उनके जो ग्लव्स होते हैं ये सब भी ज़रूर लेकर आएँ नेक्स्ट अगर हम फुटवेयर्स की बात करें फ्रेंड्स तो आप शूज़ में अपने फॉर्मल शूज़ ज़रूर लेकर आएँ यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं और आप एक अच्छी क्वालिटी के रनिंग वॉकिंग शूज़ ज़रूर लेकर आएँ बिकॉज़ यहाँ पर आपको इनिशियल डेज़ में काफ़ी सारा चलना भी पड़ेगा और यहाँ पर ठंड भी बहुत होती है तो आपको अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर चाहिए होंगे और अगर आप एथनिक वियर्स लेकर आ रहे हैं तो हाँ आप अपनी बेलीज़ uh, और सैंडल्स uh, कैरी कर सकते हैं बट उन्हें आप बहुत ही मिनिमम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स यहाँ नदरलैंडस में साल में कभी भी बारिश हो सकती है तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा आपको सजेशन है कि जब आप पैकिंग करें तो ये अपना सामान आप वैक्यूम बैग्स में रखें बहुत ही रीयूजबल भी होते हैं ये बैग्स और बहुत ही ईज़िली इसमें ढेर सारा सामान आ जाता है एयर टाइट होते हैं वाटर प्रूफ भी होते हैं और आप जब यहाँ यूरोप में आएंगे तो यूरोप इतना ब्यूटीफुल है कि आप इधर उधर ज़रूर ट्रैवल करेंगे तो ये सारे वैक्यूम बैग्स आपके बहुत यूज़ आने वाले हैं फ्रेंड्स आप अपना इंडिया वाला सिम कार्ड जरूर लेकर आए बिकॉज उसमें आपके बैंक ओ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं और आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से भी बात कर लें कि किस तरीके से आप जब आप नेदरलैंड्स आएंगे तो किस तरीके से आपकी जो ये मैसेज सर्विस है ये कंटिन्यू रहेगी और इसी के साथ आप अपना जो मोबाइल है वो भी डुअल सिम वाला लाने की कोशिश करिए नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर गैजेट्स की बात करें तो आप एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन ज़रूर लेकर आइएगा जिसमें डुअल सिम ऑप्शन भी हो बिकॉज मुझे याद है मेरे पास आईफ़ोन था और मुझे यहाँ पर अपना इंडियन सिम और यहाँ का सिम दोनों यूज़ करने थे तो मुझे यहाँ पर फ़ोन ख़रीदना पड़ा था एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ़ोन्स हैं वो इंडिया के कम्पेरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं सो बेटर है कि आप अपना एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लेकर आएँ एक्स्ट्रा फ़ोन चार्जर लेकर आएँ एक्स्ट्रा डेटा केबल लेकर आएँ और अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो अपने स्पीकर्स और अपने हेडफोन्स भी वहीं से लेकर आएं और साथ में फ़्रेंड्स एक और चीज़ आप लेकर आएं ये है वोल्टेज कन्वर्टर इसे भी ज़रूर कैरी कर लें दो तीन ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एंड फ्रेंड्स यूरोप की सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो अपना जो कैमरा डी वग़ैरह भी साथ में लेकर आ सकते हैं ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड फ्रेंड्स इन सारे सामान के साथ आप एक चीज़ और साथ में लेकर आए वो है ढेर सारा पेशेंस बिकॉज़ फ्रेंड्स हो सकता है कि जो इनिशियल डेज हो वो थोड़े से टफ़ हो आपके लिए आप थोड़ा सा लोनली फ़ील करें या थोड़ा सा बोर्ड फील करें बट ट्रस्ट मी गाइज विद टाइम सब कुछ बेटर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बन जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा सो so, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस यही सारा सामान है जो मुझे लगता है कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा और जो लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मुझे कोई और सामान याद आएगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए उसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट फॉर टुडे आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ ये एक सीरीज़ है एंड ट्रस्ट मी गाइज इसके हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बेनिफिशियल होगा अगर आप नदरलैंड में मूव कर रहे हैं सो डोंट मिस एनी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ And uh, see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.